दोस्तों यदि आप भी मैं रोहित शर्मा विराट कोहली और जडेजा को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जब गिर चुके थे भारत के 40 रन पर कुल मिलाकर 4 विकेट, तब भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने ठोका शतक, तो यह देखकर सरफराज खान और रवींद्र जडेजा का भी जमकर चला बल्ला। चौकों की बारिश देखकर पूरे देश के उड़ गए होश। तो दोस्तों आखिरकार भारत की पूरी बल्लेबाजी भारत और श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के हाईलाइट वीडियो में तो दिखाने जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान या रवींद्र जडेजा कौन सबसे अच्छा बल्लेबाज है? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बात करते हैं सीधा मुकाबले की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का शुभारंभ आज प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में हो चुका है, जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। जहां पहले दिन का मुकाबला भारतीय टीम के लिए शुरुआत से पहले सेशन में भी बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था। दोस्तों लंच से पहले भारत ने अपने 4 विकेट मात्र 40 रन के अंदर ही गंवा दिए थे। टीम इंडिया इतनी बुरी स्थिति में थी कि लगने लगा था कि भारत तो इस मैदान पर अगर 150 रन का भी आंकड़ा बना ले तो श्रीलंका को शायद चुनौती दे पाए, वरना तो भारत का बेड़ा गर्क दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा जब तक मैदान पर टिके हुए हैं बेकार से बेकार मुकाबले में भी जान डाल देते हैं, और दोस्तों आज का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला इसके बाद हर किसी की सांसें थम सी गई थी। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि भारत के लिए पारी की शुरुआत हिटमैन रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने की। यशस्वी जायसवाल और हिटमैन रोहित शर्मा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही कप्तान धनंजय सिल्वा ने फैसला किया कि वे कमिंदो मेंडेन से गेंदबाजी कराएंगे, और उन्होंने आते ही यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया, जहाँ यशस्वी जायसवाल मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पहला बड़ा विकेट गिर चुका था और भारत का, लेकिन अभी तक भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं था। टीम इंडिया अभी भी ऐसे लग रही थी कि वापसी कर लेगी, लेकिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सुमन गिल। उसे लगा कि वे इस मुकाबले का दरोमदार उठा लेंगे, लेकिन कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का साथ पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन सुमन गिल का खराब फॉर्म उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब पहले वनडे में और अब उनके T20 में भी खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के आगे उनका प्रदर्शन टेस्ट में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। 14 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। 2 बड़े झटके टीम इंडिया को लग चुके थे और एक छोर से अभी भी कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा भारत का भार अपने कंधों पर उठाए हुए थे। हिटमैन रोहित शर्मा का साथ निभाने को कोई भी तैयार नहीं था। हालांकि इस दौरान विराट कोहली ने हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देते हुए इसको आगे बढ़ाया। एक समय तो ऐसा लगा कि भारत की टीम स्कोर ही नहीं लगा पाएगी, यहां तक कि 50 के भी पार आंकड़ा नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जैसे तैसे करके स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन वहीं 21 रन का योगदान दे विराट कोहली के रूप में भी टीम इंडिया को बड़ा झटका लग जाता है। 3 बड़े झटके टीम इंडिया को लग चुके थे। 4थे स्थान पर ऋषभ पंत आते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने और साझेदारी आगे बढ़ ही रही थी कि दोनों रन बनाकर ऋषभ पंत भी चलता हो जाते हैं। भारत की टीम तो 50 के कुल स्कोर से पहले ही झटके खा चुकी थी। अभी भी हिटमैन रोहित शर्मा भले धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट देने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि हिटमैन रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए सरफराज खान को भेजा गया। सरफराज खान से भी अच्छी उम्मीद की जा रही थी। इन मुश्किल परिस्थितियों में कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का साथ निभाएंगे। अब दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके 4 विकेट के बाद पहले सेशन में कोई और विकेट खोने नहीं दिया, और लंच तक जाकर हिटमैन रोहित शर्मा 36 रनों से आगे खेल रहे थे। सरफराज खान अचानक रन बनाकर उनके पीछे ही लगे हुए थे। भारतीय टीम को यहां से कम 200 रनों के लिए आगे बढ़ना था। हिटमैन रोहित शर्मा न जाने लंच काल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे चौकी की बारिश करना शुरू कर दिया,
दोस्तों वो संभल चुके थे और इस मैदान पर धीमी बल्लेबाजी करके वे जरूर परिस्थितियों को ही पढ़ रहे थे। और अब सरफराज खान के साथ हिटमैन रोहित शर्मा सिर्फ अपनी पारी पर आ चुके थे, जहां सरफराज खान भी ताबड़तोड़ अंदाज में चौके ठोक रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले सेशन में मात्र 72 रन पर टिकी हुई भारतीय टीम को दूसरे सेशन में 200 पार पहुंचा दिया। आप लोगों को भी सुनकर झटका लगा होगा, लेकिन आपको बता दें कि दूसरे सेशन में हिटमैन रोहित शर्मा ने तूफान उठाते हुए T20 अंदाज में अपना शतक पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। परिस्थितियों में मुश्किल पिच पर भी हिटमैन रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि शुरुआत में भले दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन एक बार अगर उनका बल्ला जम गया तो इस मैदान पर खूब रन बनाए जा सकते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा की ऐसी बल्लेबाजी देखकर बाकी आने वाले बल्लेबाजों को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल चुका था। और दोस्तों यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए सरफराज खान भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, 62 गेंदों में पूरा करते हैं अपना अर्धशतक। अब दोनों बल्लेबाज इस चरम बल्लेबाजी पर पहुंच चुके थे कि श्रीलंका के गेंदबाजों को सोचना पड़ रहा था कि आखिरकार भारत के बल्लेबाजों को आउट कैसे किया जाए। हिटमैन रोहित शर्मा आउट करने के लिए कप्तान धनंजय सिल्वा इस कदर रणनीति तय कर रहे थे कि किसी भी तरह से इन्हें तो अपने जाल में फंसाया जाए और इनका विकेट लिया जाए। वे फंसते हुए दिखाई दे नहीं दे रहे थे। हिटमैन रोहित शर्मा पहले से ही तैयार थे। उन्होंने डटकर सामना किया श्रीलंकाई गेंदबाज नेहरू कुमारा असीता प्रांडो विश्वा प्रांडो का। यहाँ उन्होंने किसी को भी बक्सा नहीं और हिटमैन रोहित शर्मा ने 100 रन पूरा करने के बाद 143 तक तो पलक झपकाते ही बना दिए थे। भारत की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज के मन में चूहे काट रहे थे कि आखिरकार हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो मुकाबले में जरूर पिछड़ जाएंगे। यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया था और हिटमैन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 143 रन का खेल अभी तक खेल लिया था। कमिंदु मेंडेंस को अब यहाँ पर एक बड़ा विकेट भी मिल चुका था। जब हिटमैन रोहित शर्मा 143 रनों का योगदान दे उन्होंने अपना विकेट दे देते हैं, कमिंदु मेंडेंस ने लेग ब्रेक गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा फुल शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। फुल शॉट खेलने के लिए गए हिटमैन रोहित शर्मा अक्सर रन बटोर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फील्डर एंजेलो मैथ्यूस ने उनका शानदार कैच लपक दिया। भारतीय टीम का 5वां विकेट गिरा। हिटमैन रोहित शर्मा के रूप में जो कि 143 रनों का योगदान दे आउट होते हैं, इस पारी में हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से 15 खतरनाक चौके, वहीं 4 बड़े छक्के निकले थे। अब हिटमैन रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद सरफराज खान का साथ निभाने के लिए रविन जडेजा मैदान पर आ चुके थे, लेकिन सरफराज खान का विकेट 85वीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिरता है। आज का दिन समाप्त होने तक सरफराज खान भी चलता हो जाते हैं। एंजेलो मैथ्यूस ने आकर दिनेश चंदीमल के हाथों सरफराज खान को आउट करवाया। सरफराज खान का विकेट गिरते ही जैसे कि आज का मुकाबला भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा पेचीदा जरूर हो गया, लेकिन मुकाबले में रविंद्र जडेजा अभी भी नाबाद थे और रविंद्र जडेजा ने आते ही इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी शुरू कर दी थी, जहां सरफराज खान 77 रनों का योगदान दे आउट होते हैं, यानी कि टीम इंडिया एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी थी। वहीं रविंद्र जडेजा ने आकर भी पारी को बखूबी संभाला। मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए अभी तक रविंद्र जडेजा 22 रनों पर नाबाद हैं। टीम इंडिया का स्कोर 400 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया के लिए हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस तरह से लय को बनाया है, आपको बता दें कि आज 90 ओवर का खेल समाप्त होने तक 374 पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम से। टीम इंडिया के पास अभी बल्लेबाजी बाकी है। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल का आना भी बाकी है। वहीं टीम इंडिया के लिए जिस तरह से लय को देखकर लग रहा है टीम इंडिया का स्कोर दूसरे दिन 400 के पार जाने वाला है। हिटमैन रोहित शर्मा ने आके इस मुकाबले में जिस तरीके से लय को सेट किया और अपना योगदान दिया बल्लेबाजी में, वह काबिले तारीफ प्रदर्शन है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, हिटमैन रोहित शर्मा, सरफराज खान या फिर रविंद्र जडेजा,
आपकी नज़र में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज व खिलाड़ी? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।